बच्चों को चुस्नी या पैसिफायर देने के फायदे व नुकसान। शिशुओं को हमेशा मुंह में कुछ न कुछ चाहिए होता है, इसलिए कुछ न होने पर वे अपनी उंगली या अंगूठा ही चूसने लगते हैं। ऐसे में उनकी इस तीव्र इच्छा को शांत करने के लिए पेसिफायर का उपयोग किया जा सकता है। यह बच्चों की स्तनपान करने की इच्छा को शांत करने का काम करता है, जिसके कारण इन्हें आर्टिफिशियल निप्पल भी कहा जाता है। इसका उपयोग कई महिलाएं अपने शिशुओं को शांत करने के लिए करती हैं। चुसने का उपयोग शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि बच्चे को स्तनपान की आदत लग चुकी हो। यह कहा जा सकता है कि एक महीने के शिशु के लिए चुसने का उपयोग करना शुरू किया जा सकता है। यहाँ हम आपको फिर से याद दिला दें कि कई स्वास्थ्य संगठनों द्वारा स्तनपान करने वाले शिशुओं के लिए इसका उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि इसके कारण शिशु समय से पहले स्तनपान करना छोड़ सकता है। बच्चे को पेसिफायर देने के फायदे। नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग शिशु के दिल की धड़कनों को सामान्य रखने और ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ाने, खासकर तनाव से पीड़ित शिशुओं में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह बच्चों के दूध पीने की क्षमता को बढ़ाता है और उनकी पाचन क्षमता बेहतर कर सकता है। साथ ही यह शिशु को बेहतर नींद लेने में भी मदद कर सकता है। नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग शिशु की मांसपेशियों की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाता है, जिससे शारीरिक विकास में मदद मिल सकती है। पेसिफायर का उपयोग प्रीमैच्योर शिशु में सांस लेने की समस्या कम करने में मदद कर सकता है। इन सभी फायदों के साथ नींद के दौरान पेसिफायर का उपयोग शिशु को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से भी बचा सकता है। शिशु के साथ हवाई यात्रा करने के दौरान चुसने का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। इससे उड़ान के दौरान हवा का दबाव कम या ज्यादा होने के कारण शिशु को होने वाली असुविधा से बचाने में मदद मिल सकती है। अब जानते हैं बच्चे को पेसिफायर देने के नुकसान। 6 महीने के शिशु ठोस आहार लेना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी स्तनपान की आदत को छुड़ाने की कोशिश की जाती है, जिसे वीनिंग कहा जाता है। वहीं चुसने के लगातार उपयोग से शिशु समय से पहले स्तनपान छोड़ सकता है, जिसके कारण उसे स्तनपान के जरिए मिलने वाले शुरुआती पोषण में कमी आ सकती है। माना जाता है कि पेसिफायर अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जैसे बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकता है, जिससे ओटिटिस मीडिया का जोखिम बढ़ सकता है। इस वजह से यह कहा जा सकता है कि पेसिफायर का उपयोग ओटिटिस मीडिया का एक जोखिम कारक हो सकता है। दांतों के लिए नुकसानदायक माना जाता है कि 1 साल से बड़े बच्चे के दांतों के लिए पेसिफायर का उपयोग हानिकारक हो सकता है। शोध में पाया गया है कि इसका अधिक उपयोग बच्चे के दांतों के आकार को बिगाड़ सकता है, दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। साथ ही बच्चे की चुस्नी पर शुगर, कॉर्न सिरप या शहद लगाना दांतों की सड़न का कारण बन सकता है। अगर आप पेसिफायर लेना ही चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक नॉन टॉक्सिक पेसिफायर दिया है, वो आप ले सकते हैं। अब जानते हैं बच्चे को पेसिफायर देते समय इन बातों का रखें ध्यान। कभी भी चुस्नी का उपयोग स्तनपान की जगह न करें। शिशु को वही पेसिफायर दें जो सिलिकॉन से बना हो। इस तरह के पेसिफायर लेटेक्स की तुलना में सुरक्षित होते हैं। बच्चे को हर बात पर चुस्नी देने से पहले उसकी समस्या जैसे भूख, नींद या कोई अन्य शारीरिक समस्या समझने की कोशिश करें। बच्चे को चुस्नी देने से पहले उसे स्टरलाइज यानी पानी में उबालना कर लें। बच्चे को पेसिफायर देने से पहले देख लें कि वह कहीं से टूटा या डैमेज न हो। कभी भी बोतल के ढक्कन की मदद से चुस्नी बनाने की कोशिश न करें, इससे नवजात को घुटन की समस्या हो सकती है। बच्चे को दिन भर की सामान्य गतिविधियां करने के दौरान पेसिफायर चूसने की आदत न डलवाएं। यह बोलने की या दांत आने के विकास में बाधा बन सकती है। ध्यान रखें कि बच्चा चुस्नी को न चबाए, यह उसके लिए घातक हो सकता है।